बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद साधुओं में बहुत बहुत वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब। गोला कबाब के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमने लिया है 1.5 पाव कीमा, फैट वाला कीमा लिया है हमने इस तरह बारीक मशीन से किया हुआ। और हमने लेमन जूस लिया है, 1 टेबल स्पून हमने दही लिया है, और लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, और अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने पपीते का पेस्ट लिया है, 1 कप हमने इसमें तली हुई प्याज ली है। और स्पाइसेस में जाएंगे। सबसे पहले हमने नमक लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और 1/2 टीस्पून सौंठ ली है, और पिपली ली है, पिंच पिपली जाएगी। पिपली ज़्यादा नहीं जाएगी, वरना आपके कबाब वो कड़वे हो जाएंगे और ख़राब टेस्ट आएगा, अच्छा भी नहीं आएगा। और पिपली डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम अपने चॉपर में कीमा डालेंगे सबसे पहले, और लहसुन, ये सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए आप, हम इसको गोला कबाब हम इस तरह बनाएंगे, सलाद सीख में करके गोल गोल। ये देखिए, ये हमारे गोला कबाब का शेप। आपकी मर्जी है, आपको साइज ऐसा भी रखना है, जितने बड़े आपको रखने पड़े रखने हैं। आपको गोला कबाब ऐसे छोटे ही सही लगते हैं? छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, थोड़े गोल का। सीख कबाब होते हैं लंबे लंबे, तो इतने इसी साइज के होते हैं गोला कबाब तो तकरीबन। इसी तरह सारे बनाएंगे, इसी तरह के सारे हम बना लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। ये हमने अपना प्री हीटेड पैन है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें अपने कबाब रखेंगे। बिस्मिल्लाह, टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन जी गोल्डन। और आप देखेंगे इसका कलर कितना खूबसूरत आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं ऐसा ऐसा। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको करेंगे गोल्डन ब्राउन। उसके बाद जब ये अच्छे से हो जाएंगे तो हम इसको हट निकाल लेंगे, बाकी के और फ्राई करेंगे। ये हमारे गरम गरम मज़ेदार गोला कबाब तैयार है। देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, बहुत मज़े के बने ये। आप भी ज़रूर ट्राई करें हमारी रेसिपी और हमें बताएं कि कैसे लगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।